वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। गलती से 5 चीजें देखने पर व्यक्ति माला माल हो जाता है, चमक जाती है उसकी किस्मत। जानिए कौन सी है वो 5 चीजें। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे दैनिक कार्यों के बारे में जो अगर आपके घर में भी रोजाना होते हैं तो माँ लक्ष्मी सदैव बरसाती है ऐसे लोगों पर अपना आशीर्वाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों गलती से भी ये 5 चीजें देखने पर हो जाती है मनोकामना पूरी, व्यक्ति के ऊपर पड़ता है सकारात्मक असर, होती है धन की प्राप्ति। दोस्तों कई बातें ऐसी होती है जो आपके भले के लिए होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी आपकी गलती से कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। आपको बता दें कि आपने अक्सर हर किसी के मुंह से ये सुना होगा कि ये काम गलती से भी मत करना, लेकिन ये दूसरी बात है कि कुछ काम ऐसे हैं जो अनजाने में हो जाए तो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे काम जो गलती से हो जाने पर व्यक्ति सफल हो जाता है और उसके ऊपर पड़ते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वो 5 गलतियाँ ऐसी कौन सी है जो अनजाने में होने पर आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कभी भी टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको बता दें जब किसी की शव यात्रा जाती है तो वहाँ पर खड़े व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है कि इस रास्ते से मैं क्यों आ गया और उसे लगता है कि ये मेरी गलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं शव यात्रा देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जब भी कोई शव यात्रा अथवा अर्थी दिख जाए तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करें और मुंह से शिव शिव का जप करें। इस संदर्भ में शास्त्र कहते हैं कि जो मृत आत्मा संसार छोड़कर जा रही हो तो वो अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से जुड़े सभी दुखों को हर कर अपने साथ ले जाती है और व्यक्ति को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता और ये आपके लिए अच्छा है। नंबर 2, रास्ते पर चलते समय अचानक आपके सामने गलती से वहाँ पर किन्नर आ जाते हैं तो कई लोग इसे अच्छा नहीं मानते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर का जन्म हुआ है और इन्हें वरदान प्राप्त है। वहीं भगवान श्री राम से भी इन्हें वनवास के बाद वरदान प्राप्त थे। कहा जाता है कि किन्नरों को देखने से, उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं रहता, उसके घर में खुशियों का ढेर लग जाता है। किन्नरों को देखना शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों नंबर 3, गलती से सड़क पर पड़े पैसे मिलना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आपके साथ है। कहीं से पड़े हुए पैसे मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसे व्यक्ति को अब जल्द ही जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में अब सुधार आने वाला है। नंबर 4, गलती से आधी रात में उठना। अक्सर आप रात में सोते हैं और सुबह में उठ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आधी रात का समय बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस समय सीधे तौर पर भगवान से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। इस समय गलती से उठा व्यक्ति बिल्कुल भी ना डरे क्योंकि आपको भगवान ने जगाया है। ऐसे में आपको भगवान का जाप करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ये समय 2 से 4 बजे के आसपास का समय है। दोस्तों नंबर 5, कोई भी धार्मिक वस्तु मिलना। गलती से मिली हुई कोई भी धार्मिक वस्तु आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि देवी देवता आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके सभी बिगड़े काम पूरे होने वाले हैं। ऐसे में वो चीज आपको अपने घर में संभाल कर रखनी चाहिए। दोस्तों माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है और घर में नई ऊर्जा बनी रहती है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर को माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती है। दोस्तों शास्त्रों में कुछ वास्तु नियमों के बारे में जानकारी दी गई है जिससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम। नंबर 1, सोने से पहले जलाइए कपूर। सोने से पहले आप अपने सोने वाले रूम में कपूर का धुआं करें। धुएं से घर की सारी नकारात्मकता खत्म होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से परिवार के लोगों में अच्छे संबंध बने रहते हैं।
नंबर दो, रोजाना करें पूजा। दोस्तों, घर में पूजा घर जरूर होना चाहिए और उसमें रोजाना धूप दीप व आरती जरूर करें और पूजा के बाद घंटी भी जरूर बजाइए। जिन घरों में सुबह और शाम के वक्त भगवान की पूजा और आरती नहीं होती, वहां पर देवी लक्ष्मी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। इसके अलावा अगर किसी घर की महिला शाम के समय सोती है और सास ससुर का अनादर करती है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर तीन, रात में यहाँ पर करें रोशनी। घर की महिला को सोने से पहले घर की दक्षिण दिशा में सरसों का तेल जलाकर सोना चाहिए। इससे आपके घर में सुख और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दिया नहीं जला सकते तो उस दिशा में एक बल्ब जला दें। ऐसा आप शाम के 7 बजे के बाद कर सकते हैं। नंबर तीन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात के समय खाने में दही चावल सत्तू का प्रयोग वर्जित माना गया है। इन चीजों का सेवन करने से आपको धन हानि हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए रात के समय खाने में इन चीजों का प्रयोग ना करें। कभी भी भोजन को बीच में ना छोड़कर उठें, इससे भोजन का अपमान होता है और ऐसे में घर में धन अन्न की बरकत नहीं होती। नंबर चार, बिखरा हुआ सामान ना छोड़ें। घर में रात के समय आप कभी भी बिखरा हुआ सामान ना छोड़ें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में नेगेटिविटी फैलती है। कई बार लोग बाहर से घूम कर आते हैं और चप्पल घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा भूलकर भी ना करें। जूते चप्पल कभी भी मुख्य द्वार के बाहर बिखरे हुए नहीं पड़े होने चाहिए। इन्हें हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से सजाकर ही रखना चाहिए, वरना घर में माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। नंबर पाँच, मान्यता है कि प्रातः उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता ये है कि आपके हाथ में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों का वास है और ऐसा करते समय आपको मंत्र बोलना चाहिए। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। माना जाता है कि जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों को देखता है तो उसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती व भगवान कृष्ण तीनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में बुरा समय भी अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। नंबर छह, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमेशा घर में बनने वाली पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनाई जाती है। हालांकि आजकल इसे कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से नहीं अपनाता, लेकिन अगर आप सुबह बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएंगे तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नंबर सात, अगर आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं या किसी बहुत आवश्यक काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में आपको दही शक्कर का सेवन करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने कार्य में सफलता हासिल होगी। यहाँ तक कि अगर आपका कोई कार्य बहुत समय से रुका पड़ा है तो वो भी पूरा हो जाएगा। नंबर आठ, कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है। ये आदत आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से तो खराब होती ही है, साथ ही इस आदत की वजह से व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। इसीलिए ये नाखून चबाने की बुरी आदत आपको तुरंत त्याग देनी चाहिए। नंबर नौ, बुजुर्गों का सम्मान करें। जिन घर में अक्सर छोटी छोटी बातों में परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और परिवार के बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में बुजुर्गों का हम सदैव सम्मान करें। जिन घरों की महिलाएं अपने माता पिता और सास ससुर का सम्मान करती है, उनसे देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में खुशी का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय महाकाल।